रतलाम में शहीद हुए जवान रतलाम में शहीद हुए जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने पर वहां के ग्रामीण के लोग और कांग्रेस के लोग वहां पर धरने पर बैठ गए। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर रतलाम से, जहां पर आर्मी जवान के ग्रामीणों ने अंतिम यात्रा को रोक दिया है। शहीद का दर्जा नहीं देने से ग्रामीण नाराज हैं, जिसके चलते आज उन्होंने अंतिम यात्रा को रोक दिया है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रतलाम जिले के मावता के लोकेश कुमावत की अंतिम यात्रा ग्रामीणों व कांग्रेस नेताओं ने रोक ली है एवं वह धरने पर बैठ गए हैं। लोकेश कुमावत को शहीद का दर्जा नहीं देने से ग्रामीण नाराज हैं, जिसके चलते आज ग्रामीण और कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए हैं और लोकेश कुमावत को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे लोकेश कुमावत। वहीं ग्रामीणों के अनुसार लोकेश कुमावत की शहादत नक्सलियों से लोहा लेते हुए हुई है, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज ग्रामीण और कांग्रेस के लोग वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रतलाम जिले के मावता के लोकेश कुमावत की अंतिम यात्रा ग्रामीणों व कांग्रेस नेताओं ने रोक ली है और धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि लोकेश कुमावत को शहीद का दर्जा दिया जाए। आर्मी का जवान शहीद हो गया था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए यशवंत सिंह राठौर रतलाम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, जिस तरीके से अभी हमने बात करी थी कि जवान शहीद हो गया है नक्सलियों से मुठभेड़ में, लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज ग्रामीण और कांग्रेस के लोग धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकेश कुमावत जो भारतीय सेना में एक जवान के रूप में मणिपुर के इफॉल क्षेत्र में पदस्थ थे, जिनकी शहीद होने की खबर परिजनों को लगी थी, वही सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि न तो परिजनों को यह अवगत कराया गया कि उनकी मौत कैसे हुई और न ही ग्रामीणों का कहना है कि उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान मौत हुई है। वहीं परिजनों को यह बताया गया कि उनकी गोली लगने से मौत हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया। जब अंतिम यात्रा गाँव से निकल रही थी, तभी कांग्रेसी कुछ नेता भी आ गए और यात्रा को बीच में ही रोककर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया और उनकी मांग थी कि जो शहीद है लोकेश है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जी तो ग्रामीणों को कहां से पता चला कि वह नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं? जी, ये चर्चा का विषय है कि जब कुछ ग्रामीणों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जवान की मौत नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हुई है। वहीं जब परिजनों से चर्चा हुई तो उनको बताया गया था कि गोली लगने से लोकेश की मौत हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस के नेता व ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया और बीच रास्ते में ही अंतिम यात्रा रोकते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया और मांग की है कि लोकेश को शहीद का दर्जा दिया जाए। जी तो लोकेश को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण? यह तो एक विचारणीय प्रश्न है। जिस प्रकार से सेना जब तक कुछ लिखित में या सरकार को नहीं देती, अवगत नहीं कराती, तब तक कुछ ऐसा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रतलाम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशवंत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।